हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुंजन डायरी में आज मैं आपके लिए होली स्पेशल मटरी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मटरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और आधा कप मैंने महीन वाली सूजी ली है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी डाली है। आप चाहे तो हरी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून मैंने शुगर पाउडर यहाँ पे ऐड किया है और घी डाला है करीब 2 टेबल स्पून भर के। और इसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है। तो आप इसको मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी और 2 चुटकी हींग डाली है। इससे कलर और फ्लेवर दोनों का बढ़ जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डो तैयार कर लिया है, उसके 4 पेड़े बना के रख लिए हैं। तो अब इस पेड़े को एक साइड में करके यहाँ पे हम एक मैदे का पेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। और उसको देखिए, ये पेस्ट मैंने बना लिया है कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। और मैंने एक पेड़ा लेके उसको रोटी की तरह इसको बेल लीजिए। बहुत पतला भी नहीं बेलना है, बहुत मोटा भी नहीं, जैसे रोटी आप बनाते हैं बस उसी तरह इसको बेल लीजिए। और ये जो पेस्ट बना के रखा है ना, इसको चारों तरफ से पूरे रोटी पे फैला लीजिए। और अब हम एक साइड से इसको फोल्ड कर देते हैं और दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देते हैं और फिर हम इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे। तो अब हम फिर से इसको हम फोल्ड करेंगे। तो जितनी बार हम इसको फोल्ड करेंगे ना, उतनी लेयर हमारी मटरी में बन के आएगी और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल लेयर खिल के आएगी। तो ये देखिए, मैंने पेस्ट फिर से लगा के इसकी फोल्ड कर लिया है और अब हम इसको फिर से बेलेंगे। इसको हल्के हाथ से ही बेलिएगा, बहुत टाइट हाथ नहीं करना है वरना बिल्कुल चिपक जाएगा तो लेयर नहीं खुल के आएगी। तो इसको हल्के हाथ से ही धीरे धीरे पूरा फैलाते जाएंगे। कोशिश ये करिएगा कि बहुत पतली नहीं, तो थोड़ा सा जैसे रोटी बनती है उस टाइप का बनाइए, बहुत पतली नहीं और बहुत मोटी भी नहीं। ये देखिए, मैंने पूरा बेल लिया है। अब हम फिर से इस पे वो पेस्ट लगा के इसकी लेयर बनाएंगे। तो मैंने इसको पूरे रोटी पे फैला लिया है और फिर हम इसकी लेयर बनाएंगे। आप चाहे तो कैसे भी, जैसे आपको होली में लगभग सारी चीज़ें मैदे की बनती हैं तो वो नुकसान भी करती है, तो ये मटरी आटे की है तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। हेल्दी का इन सेंस कि आपको नुकसान नहीं करेगी, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसे लगी। तो ये देखिए, ये मैंने फोल्ड कर लिया है। इसको हल्के हाथों से दबा दबा के फैलाएंगे और बेलन की सहायता से भी इसको हम हल्के हाथों से ही इस पर बेलन चलाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए, मैं हल्के हाथों से बेलती जा रही हूँ और इसको फैलाती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ। देखिए, अब इसको चाकू की सहायता से लंबाई में इसको कट करते रहेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह हम अपने सारे पेड़ों की मटरी कट कर लेंगे। अब हम पैन में तेल डालेंगे और सारी मटरी अपनी मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारी अपने जितना आसानी से आ सकती है पैन में, बस उतनी ही मटरी इसमें हम डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो वो एक दूसरे से चिपक जाएगी और अच्छे से फूलेगी नहीं।
तो ये देखिए हमारी मर्ची तैयार है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी मर्ची तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी मर्ची में कितनी अच्छी लेयर बन के आई है और कितनी ये सॉफ्ट है। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए इसकी क्रंची है, मैं आपको सुनाती हूँ, देखिए कितनी क्रंची बनी है। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।